ये देखिए बस नाश्ता करने लगे हैं हम लोग, पराठा है और साथ में एग भुर्जी है और साथ में लस्सी है और सारा नाश्ता आंटी ने बनाया आज। चले हम लोग नाश्ता कर लें, उसके बाद की रूटीन है वो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ईद का तीसरा दिन है और काम वाली भी आई थिंक आ चुकी है। अब 11 का टाइम है, 11 या 12 का टाइम। हम डेली इतने बजे उठ रहे हैं। ईद वाले दिन जल्दी उठ गए थे हम लोग और आज कल हम लेट ही उठे हैं। तो रात को हम गए थे उधर बच्चों को लेके फन दुनिया गए थे। वहाँ पे भी काफ़ी रश होता है, वो छोड़ के हम फन दुनिया गए हैं। लेकिन फन दुनिया हम फर्स्ट टाइम गए थे, पहले गए हुए थे, बहुत टाइम पहले की बात है। तो जब लेके गए तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा क्राउड था और फिर हम लोग वहाँ से भागे। हम बिल्कुल नहीं अंदर गए। और अभी आंटी नाश्ता बना रही हैं, बस नाश्ता करने जा रही हूँ। उठी हूँ, उठ के मैंने सर पे ऑयलिंग की है, मैंने नहाना है अभी क्योंकि अम्मी की तरफ जा रही हूँ मैं, इसलिए कि 3-4 दिन मैं उधर गुजारूँगी अभी। और ये देखें मेरी जो दोस्त ने मेहंदी दी थी ना, उसका कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। माशाल्लाह ये मेहंदी बहुत प्यारी थी, ये देखें। तो बस अभी बस पैकिंग भी करती हूँ साथ, और अरताश को भी देखती हूँ क्या कर रहा है। सुबह से उठ के बाहर गया हुआ है, वो टीवी लाउंज में उधर फिर रहा है, वो देखें। और टीवी चल रहा है मेरे ख्याल में बच्चों का। हाँ जी, ये कमरे, ये मेरा रूम है, रूम के साथ ये लॉबी है, लॉबी के साथ फिर किचन है सामने। तो चलें बस मैं नाश्ता कर लूँ और उसके बाद पैकिंग कर लूँ, फिर मम्मी की तरफ जाना है। तो वहाँ पे जो रूटीन होगी, जो भी एक्सरसाइज है, वो भी मैं साथ साथ दिखाऊंगी आपको। ये देखें बस नाश्ता करने लगे हैं हम लोग, पराठा है और साथ में एग भुर्जी है और साथ में लस्सी है और सारा नाश्ता आंटी ने बनाया आज। चले हम लोग नाश्ता कर लें, उसके बाद की रूटीन है वो दिखाते हैं। तो अभी आज हम अभी हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ, और ये देखें ये रहा अरताश, और ये रहा बेहसात का आउटफिट। आज हम तीनों का आउटफिट ब्राउन कलर में है, मेरा थोड़ा सा कलर चेंज है इन दोनों से। और तो अच्छा अभी हम पहुंचने वाले ही हैं, अभी निकल रही हैं घर से और 10 मिनट और लगेंगे हमें, हम पहुंच जाएंगे फिर। तो चलो जैसे ही हम पहुंचते हैं ना फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें अभी अम्मी की तरफ आई हूँ ना, तो अभी ये मैं बना रही हूँ सीख कबाब का मसाला। ये देखें मैंने इसको ना, ये देखें बिल्कुल खुश कर लिया इसको मैंने कपड़े में ना। तो इसको ना ये इतना ब्रीक आपका चॉप होना चाहिए। ये देखें कीमा, इसमें 3 पैकेट जाएंगे, ये 4 किलो कीमा है, 4 किलो कीमा के हिसाब से मैं इसमें डाल दी हूँ। हाँ ये देखें अभी इसमें मैंने मसाला ऐड कर लिया है, इसमें 2 चम्मच मैं घी डालूँगी, इसलिए कि ये इसमें चर्बी जो थी ना वो सारी अम्मी ने निकलवा दी है, और इसमें घी जाएगा इसको ना थोड़ा सा जोड़ने के लिए। ये बेस्ट है, अगर आप ऑयल यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना स्टिकी होना चाहिए। इसे ऐसे गूंदना है आपने, ऐसे चले मैं इसको भूंज लूँ। और बस इसका और कुछ नहीं डालना आपने, कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, और इसको इतना गूंदना है 5 से 10 मिनट आपने इसको कम से कम गूंदना है। अगर आपके पास वो है डंडा कुंडी तो आप उसके साथ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये ज़्यादा बेस्ट होता है। ये हाथ से ये देखें ना, देखें, और इसको इतना गूंदी जाए ताकि ये ना झुंडने के बराबर आ जाए। तो चले बस इसको मैं कर लूँ, 10 मिनट और लगेंगे, उसके बाद फिर जैसे बनाने लगेंगे ना फिर सीखों पर कैसे लगाने वो दिखाती हूँ मैं। ये देखें ऐसे इसका ऐसे गोल आपने गोल उठाना है, ये देखें ऐसे,
फिर रोल दिया आपने इसको ऐसे डाल के सीख में, तो ये फिंगर से आपने ऐसे करना है। इसको ऑयल इसमें है थोड़ा सा, अगर चर्बी आपने ज़्यादा डाली हुई हो ना तो फिर इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको ना, तो इसमें मैंने ऑयल डाला है, मम्मी ने चर्बी सारी निकाल दी थी इसमें, तो इसलिए बस मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो ये देखिए, ये देखिए इतने प्यारे प्यार हो गए, और ये देखिए ये बन भी गए हैं ये वाले। हम खुद इसको तोड़ रहे हैं, छोटा कर रहे हैं ताकि ये रोटी के साथ खाने में मज़ा आए। और इसे लगाए ना, ये भी देखें ये भी तैयार हुए जा रहे हैं ना, ये देखें इसमें से ऑयल खुद ही निकल रहा है और उसी में वो पक रहा है। इतनी इसकी जो है ना हीट होनी चाहिए, उसमें ये पक जाएंगे जल्दी से। तो अभी अरताश भी सो गया, बेजाद भी चले गए थे 7-8 बजे तक, और कबाब बहुत मज़े के बने थे, हम लोगों ने खाए हैं सब ने, उसके साथ ही रोटी खाई है, और बस अभी सब सो गए हैं और हम लोग भी सोने लगे हैं। इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दो, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।